कहानियां सुना नहीं करते थे, जाना नहीं करते थे कि क्या घट रहा है वहां। तो वहां लिंगाराम जैसे लोगों का मुंबई महानगर में, जिस पे पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजर होगी, वहां पे आज जगह मिल रहा है, ये पूरे बस्तर के लिए, हम सब के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत अच्छी बात है। और आज इसी का एक इस सकारात्मक स्थिति का ही एक पहली बार मैं भी बस्तर में 28 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, 30 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, 30 सालों से, तो पहली बार मैं भी देख रहा हूँ कि बस्तर में आज एक साथ आदिवासी समाज के सारे लोग, उनसे जुड़े हुए तमाम लोग, सारे प्रगतिशील लोग, कम्युनिस्ट पार्टियों के लोग, तमाम जन संगठनों के लोग आज एक मंच में आए हैं और आज बस्तर बंद का आह्वान हुआ है। तो उन तमाम साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आज एक क्रांति का आगाज हो चुका है और इसका असर निश्चित रूप से दूरगामी होगा और सभी प्रकार के सरकारों को इसके लिए चेतावनी है जो आने वाले दिनों में आने वाली है। ये जो सरकार, इसके पहले मैं इस हाल में बैठे तमाम सभी जो देशद्रोही आतंकवादी जितने साथी हैं उन सबको भी सलाम करता हूँ। आज पूरे देश में ऐसा वातावरण बन गया है कि जब भी आप अन्याय के खिलाफ बात करेंगे तो आपको या तो पाकिस्तान जाने की सलाह देते हैं, या आपको सीधा आतंकी करार दे रहे हैं, या सीधा आपको नक्सलवादी करार दे रहे हैं। मणिपुर में लोग मार रहे हैं, आपका कश्मीर में पूरा खून से लाल हो गया है घाटी, बस्तर का हाल आप लोग लिंगाराम ने, मैं क्षमा चाहता हूँ, अपनी गलती वापस लेता हूँ, गलती मानता हूँ कि लिंगाराम कुछ बोल नहीं सकता, बोल रहा था मैं, मगर पूरे हाल को मैं देख रहा था किस तरह से सबका एक पूरा उसके ऊपर नजर टिका हुआ है एक एक बात पे, और लिंगाराम ने जिस तरह से सारी चीजों को आज आप सबके सामने रख दिया है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि और कुछ बोलने के लिए बच जाता है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं उसको रखूंगा, और एक बात ये भी कहूंगा कि लिंगाराम की जो भी बातें आप सबके साथ हुई है आज, और लिंगाराम और सोनी सोढ़ी और हम जैसे लोग वहां पे जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं और हम लोग जो कहानी आप तक आज ला पा रहे हैं, ये हम लोग पहुंच वहां के 5% भी उस जनता तक नहीं है जो भोग रहे हैं। 95% लोगों की कहानी तो कहीं हम लोगों तक भी नहीं पहुंच पा रही है, तो हम आपके पास क्या ला पाए ना। वहां मोबाइल फोन उपयोग हो रहा है, बहुत कम इलाकों में मोबाइल का कवरेज टावर है, तो बहुत सी हिड़में वहां मारी जा रही है। माओवादियों का ही एक रिपोर्ट में आज मिला मेरे को, उनका आंकड़ा जो कह रहा है, सरकार का रिपोर्ट कह रहा है कि 66 लोग मारे गए इस साल 2016 में। माओवादियों का कहना है कि टोटल मुठभेड़ हुए हैं 112 मुठभेड़ में उन्होंने 126 लोगों के मारे जाने की दावा किया है, और जिसमें वो स्वीकार कर रहे हैं कि 42 जो है उनके मेंबर थे, या तो पार्टी मेंबर थे, या एरिया कमेटी मेंबर थे, या वार ग्रुप के मेंबर थे, मगर वो कितनी भयावह स्थिति है एक साल का आंकड़ा। और जब से कल्लूरी साहब दोबारा विभत्स विभत्स विभत्स, ये शब्द तो मेरे नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का शब्द है साहब, जो सर्वोच्च जुर्म के लिए उस समय इस्तेमाल किया गया था, तो उस सर्वोच्च जुर्म को जिसमें इसी सरकार, मेरे पास मोबाइल भी बंद होने वाला है, इसलिए मैं पहले सबसे पहले मैं समझ चाहता हूँ कि यहाँ जो मेरे पास इसमें जो आंकड़े हैं उसका सामने रखूँ। ये सर्वोच्च के बारे में एक अभी एक आप सब साथियों को मालूम नहीं रहा होगा, ये अभी हाल ही में एक चीज ढूंढ के लाया गया, ये संसद की वेबसाइट पर भी हो सकता है, अभी तक अगर इनके होशियार लोगों को अगर पता नहीं चला हो तो ना उड़ाया गया हो तो आप संसद की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर भी हो गए। इसी पिछले 2008 में ये पेश किया गया है इस संसद में सर्वोच्च जुर्म के बारे में रिपोर्ट, और ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि 3.5 लाख आदिवासी उस सर्वोच्च जुर्म से माइग्रेट हुए, 3.5 लाख। उस रिपोर्ट में कहा गया है जला दिए गए, 650 गांव उसके बाद भी और विराम हो गए। अब इस रिपोर्ट में इन्हीं की भाषा है, इंग्लिश में है रिपोर्ट, में इंग्लिश ठीक से पढ़ नहीं सकता इसलिए यहाँ पे नहीं रखूंगा, आप जिस हिसाब से चाहिए ये उपलब्ध हो जाएगा व्हाट्सएप से।
इस रिपोर्ट में सरकार के कुछ सांसद भी थे, सांसद भी थे और कुछ अधिकारी भी थे, ये सब ने मिलकर रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया है कि सरोवर धूम का पूरा ड्रामा शब्द का उल्लेख किया गया है। ये ड्रामा जो है एसआर और टाटा ने क्रिएट किया, टाटा ने बनाया और उनके तरफ से पैसे फंडिंग किए गए थे सरोवर धूम को खड़ा करने के लिए। सरकार ने पूरा सपोर्ट किया था, वहीं के आदिवासियों के हाथ में बंदूक थमाया गया था, वहीं के ग्रामीणों के हाथ में बंदूक थमाया गया था। ठीक वैसे ही नीति अपनाई गई थी जैसे कि अंग्रेजों ने जब भारत में प्रवेश किया था तो वो अपने साथ सेना लेके नहीं आया, तो वही यही भारत में आकर सेना बनाया कि उन्होंने आज हमारे भारतवासियों को जो गुलाम बनाया था, उसी नीति में सरकार चली। वैसी मणिपुर में चले, वैसी असम में चला, वैसी नागा बटालियन का किस्सा है, अब ये बस्तर बटालियन का भी जिक्र भी साथी नीति लीगाराम ने किया, तो बस्तर बटालियन का भी लोग तैयारी कर रहे हैं। बस्तर के अभी जो 2011 की जो जनसंख्या का आंकड़ा है 25 लाख के लगभग है, 32 विकास खंड है और 7 जिले में इसको भी बांटा गया है। 2001 और 2002 में जब राज्य बना हमारा तो उसके पहले 3 जिला थे, विकास खंड 32, थाना 28 और कैंप 36 और टोटल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की संख्या 50,000 के अंदर थी। मगर इस 2001 के बाद और विशेषकर 2001 से 2003 के बीच को मैं छोड़ देना चाहूंगा, उस समय जो है इस दिशा में ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ, मैं किसी सरकार पे ही इस पे ब्लेम करना नहीं चाह रहा हूं, मगर 2003 के बाद इसमें आक्रामक रूप से बढ़ोतरी हुआ। पहले जो है जब थानों में 30 की संख्या में 25 की संख्या में पुलिस के लोग हुआ करते थे, थाने में पुलिस की संख्या 20-25 हुआ करती थी, तो मुठभेड़ भी होता था, हम लोग खबर पढ़ते थे सुनते थे छपता था कि जंगल में मुठभेड़ हुई, 15 मारे गए, 16 मारे गए। इन्होंने पैरामिलिट्री के फोर्स आज बढ़ा दिया है, 1.5 लाख पैरामिलिट्री के फोर्स के जवान हैं, CRPF, BSF, ITBP और बहुत सारी कंपनियां, 1.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स, 50,000 से ज्यादा DRG हैं, 50,000 से ज्यादा गोबरी सैनिक हैं और 10,000 से ज्यादा LIG, SB, स्पेशल ब्रांच और भी बहुत सारी गुप्त एजेंसियां हैं उनके लोग। यानी बस्तर की अब टोटल जनसंख्या में अगर वृद्ध लोगों की संख्या और बच्चों की संख्या को अलग कर दीजिए तो 5 लाख 25 में 20 लाख को भी आप मानिए नौजवानों की संख्या, तो प्रत्येक 10 व्यक्ति के पीछे उन्होंने एक जवान को खड़ा किया है। क्या किसी और देश में ऐसी स्थिति है? ये सारा चीज केवल उन लोगों के लिए, उन मुनाफा को कॉर्पोरेट घरानों के लिए। मैं पत्रकार हूँ, मैं पूरा 28 साल में जो सारा चीज देख रहा हूँ आपके सामने स्पष्ट रखना चाहता हूँ, ये सारे नस्लवाद की लड़ाइयाँ केवल उन्हीं जगहों में चल रही है जहाँ पे माइंस, जहाँ पे बॉक्साइट निकाला जाना है, जहाँ पे लोहा निकाला जाना है, जहाँ पे और सारा चीज निकाला जाना है। अब बस्तर इन सारे चीजों का गढ़, सारे एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जंगल बचाओ, पर्यावरण बचाओ, तापमान बढ़ रहा है, होली के समय लोगों को अपील कर रहे हैं कि यार पानी नुकसान हो जाएगा, नहाओ मत, होली मत खेलो। देश भर के लोग दिन भर आप नहाओगे, दिन भर आप अपना नल खुला रख दीजिए तो जितना पानी देश भर में बहेगा उतना एक ही दिन में ये सात पाइपलाइन से हमारा इंद्रावती का पानी समुद्र में जाके फेंक देगा। ये सही है, उसको सही ठहराया जा रहा है। इस सार के लिए, उस टाटा के लिए, उस अब तो सुनने में आ रहा है कि सार को अडानी लेने वाला है, अडानी के लिए भी अलग से 5,000 एकड़ जमीन बस्तर में और सुरक्षित रखा गया है, कोयला क्षेत्रों में अलग किया गया है 10,000 एकड़, वो अलग मामला है और तमाम अगर सूचना के अधिकार से निकाले हुए दस्तावेज और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के कुछ सांसदों से जिसके नंबर है मेरे पास, जिन सार को ज्यादा रुचि हो वो नंबर ले सकते हैं अगर आप जानकारी लेना चाहें, तो छत्तीसगढ़ का कुल वन भूमि का आधा से ज्यादा 55-56% हिस्सा जो है लीज की प्रक्रिया में, या तो लीज दिए जा चुके हैं या लीज की प्रक्रिया में है। ये तमाम सब बड़े बड़े कार्पेट घराने के लोग उसमें इस प्रक्रिया में शामिल हैं। अभी पिछले जो हमारे पर्यावरण मंत्री थे जो मानव संसाधन में आ गए हैं, उन्होंने मनमानी पर्यावरण सुविधा दी है, सारे बुद्धिजीवी लोगों को मालूम है, सारे साथियों को मालूम है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप
एक तरफ पर्यावरण बचाने की बात कर रहे हैं, उसी तरफ एक मुनाफा को जल जंगल जमीन और पूरे जो वायुमंडल है उसको जो है अपने मुनाफे के लिए पूरे पूरे जीवन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में केवल आदिवासी भी खतरा नहीं है, केवल वही समाप्त होने वाला नहीं है, केवल मनुष्य समाप्त नहीं होने वाले, तमाम जितने जीव जंतु जितने पेड़ पौधे जितने समान सृष्टि के लिए खतरा पैदा हुआ है। केवल एक व्यक्ति है, एक जीव की बात नहीं है। और ऐसी स्थिति में भी अगर कोई सरकार चुप है जिसके तहत ये सारा कुछ हो रहा है, या कोई और सरकार जो इससे पहले थी वो भी चुप थी, ये साफ कर इससे साबित होता है साथियों कि ये सरकार अपनी नहीं है, ये देश की सरकार नहीं है, ये कोई विदेशी सरकार है। इनको विदेश जाना चाहिए, इनको पाकिस्तान जाना चाहिए। और मैं इस मुद्दे में माओवादियों के साथ हूं। मैं अच्छी तरह से मानता हूं कि इस देश की सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, जनता की सरकार नहीं। अगर जनता की सरकार होती तो चुप नहीं रहती। और वो तमाम लोग जो अब भी ऐसी स्थितियों में चुप रहना चाहेंगे वो भी इस देश के नहीं है, वो भी इस मनुष्यता के खिलाफ है। तो अब भी आप सचेत हो गए बड़े जन आंदोलन की तैयारी नहीं करेंगे साथियों, तो आने वाले दिनों में आप अपने आप को समाप्त करने की तैयारी कर रहे हैं, अपने पूरे पूरे जनता को समाप्त करने के आपको कदम ले जा रहे हैं मुनाफा को रोकने के लिए। बचपन में मैं भी कुछ जन संगठनों से जुड़ा था, तो एक जनगीत सुना करता था, माओवादियों के कैंपों में भी वो जनगीत सुना, कई प्रगतिशील राजनीतिक पार्टियों के भी कार्यक्रम में वो जनगीत सुना, बहुत सारे लय बहुत सारे धुन मैं वो सुना। मगर आज उस तमाम लय और धुन को छोड़ के मैं उसके दो तीन पंक्तियां आपके सामने रख के कुछ और बात करूंगा, क्योंकि अब उसका लय ऐसा होना चाहिए जो मैं करना मैं गाना नहीं चाहता। आजादी के 70 साल बाद अपने हाल पर निगाह डाल सोच और सोच के सवाल कर, किधर गए वो वायदे सुखों के पाप क्या हुए, तुझे था जिनका इंतजार वो जवाब क्या हुए, तू इनकी झूठी बात पर ना और एतबार कर कि तुझको सांस सांस का सही हिसाब चाहिए, गिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए। साल तक लूटा गया। अगर हमारी शिक्षा पद्धति आज वैज्ञानिक हुए रहती, वैज्ञानिक शिक्षा दिया जाता प्राथमिक से, तो क्या 70 साल बाद हम जाति के मुद्दे पे धर्म के मुद्दे पे आज ये मारकाट मचाए करते क्या? ये तमाम को मारकाट मचाने वाले लोग हैं, उनको भी ये पैदा इन्हीं सरकारों ने पैदा किया है। वामपंथियों को भी मैं नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने भी अपने सरकारों में क्या शिक्षा दिया है। सबसे पहले तो शिक्षा व्यवस्था को वैज्ञानिक बनाओ। आज ये सरकार को हमने पैदा किया है। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था वैज्ञानिक हुई रहती थी ये सारी स्थिति पैदा नहीं होता। आप एक तरफ हो सकता है मैं भी क्या है पत्रकार और भाषण देना मेरा काम नहीं है, मेरे रिपोर्ट है जो मेरे क्लास में आपको मेरे क्या करना चाहता हूँ स्पष्ट कर देगा, तो भटक जाऊँगा उसको जगह। एक तरफ आप तापमान की चिंता कर रहे हैं, अमेरिका का एक संस्था है नेशनल ओसनिक एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन करके, उनका कहना है कि अभी जो 2016 का साल है वो पूरा इस सदी में 1901 से लेकर अभी तक का सबसे गर्म साल है, और पूरा इस सदी में औसत जो तापमान बढ़ने का जो आंकड़ा है उसमें इस साल 0.49% ज्यादा था, अभी लगातार बढ़ते जा रहा है। अब इस पर चिंता भी कर रहे हैं सारे सरकार, अमेरिका तक चिंता कर रहा है, जापान भी चिंता कर रहा है। वो जापान जो हमारे यहाँ से लोहा खोद के ले जा रहा है और अपने यहाँ उनका लोहा का भंडार को छू भी नहीं रहा, वो अमेरिका जो अपने पूरा अरब देशों के तेल के लिए जो है सारे झगड़ा झंझट, और आज माफीनामा भी आ गया इंग्लैंड का, पूरा अपने इराक को तबाह कर दिया, तो पूरा तेल के लिए आपने पूरा युद्ध रचा, और अपने यहाँ आपने तेल का भंडार अमेरिका का बहुत ज्यादा है, मगर अपने यहाँ का पूरा भंडार सुरक्षित रखा है। उनको अपने देश के पर्यावरण की चिंता है, जापान के पर्यावरण की चिंता है, मगर हमारे देश के बेवकूफ राजनीतिज्ञों को न तो यहाँ के पर्यावरण की चिंता है, न यहाँ के आदिवासियों की चिंता है, न यहाँ के जंगल की चिंता है। जहाँ आदिवासी है वही जंगल सुरक्षित है। आप जंगल बचाने की बात करें तो पहले तो आदिवासियों को बचाना। जंगल सुरक्षित है, जहाँ से आदिवासियों को भगा दिया गया, जहाँ से विस्थापित कर दिया गया, वहां फिर आप जंगल नहीं देख पाएंगे।
बम्बई के भी कई हिस्सों में लोग सुना हूँ पढ़ा हूँ लेकिन कि आदिवासी रहा करते थे बहुत बड़े बड़े हिस्से, आज वहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, उनका किसी को पता पता भी नहीं होगा उनकी पीढ़ियाँ कहाँ गई कहाँ क्या। आदिवासियों की लगातार संख्या कमी होती जा रही, बस्तर जो जो है लगातार उनके आप जनसंख्या में रिकॉर्ड में आते हैं कि लगातार गिरावट आती जा रही है, लोग जो है इस युद्ध के चलते जो है भारी संख्या में माइग्रेट हुए हैं और बहुत संख्या में जो है आंध्र प्रदेश त्योहार का संस्कृति है, वो जब उनका सुबह होता है तो गाने बजाने के साथ शुरू होता है और शाम जब होता है तो गाने बजाने से खत्म होता है, मगर अभी आज बस्तर में ऐसी स्थिति हो गई है कि वहाँ ढोल नहीं बजा पा रहे हैं लोग, मृदंग की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, वहाँ पे घोटुल जो है वहाँ का सांस्कृतिक पहचान रखता था वो अब बंद हो गए हैं, पर्व और त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं। तो बीजापुर में दो तीन साल पहले चार साल पहले घटना हुआ था जीरम घाटी हमला के पहले, ये बीच पंडुम त्यौहार मना रहे थे वहाँ पुलिस वाले जाके मनमाने गोलीबारी की, छोटे छोटे बच्चे मारे गए थे और पुलिस ने और सरकार ने बकायदा दावा किया कि वो नक्सली हैं जबकि आठ साल दस साल के बच्चे भी उसमें शामिल हैं, उन सबको भी नक्सली बता दिया गया था। अभी किसान अपने हल लेके खेत की ओर निकल रहा है तो उसको पकड़ के जेल में डाल दे रहे हैं, कोई जंगल गया है महुए के लिए या उसके फल के लिए, अभी फल का सीजन है तो उसको जेल डाल दे रहे हैं। अब ये देखिए कि वो जब जेल जा रहे हैं तो उसमें कोर्ट का फैसला क्या आ रहा है, 2005 में टोटल जितने फैसले आए उसमें 97% मामलों में सब बाइज्जत बने हुए, 2006 में 94% लोग बाइज्जत बने हुए, 2007 में 94% बाइज्जत बने हुए, तो बाइज्जत बने हुए तो उन्होंने तीन तीन साल जेल में काटा और उनका जमीन बिक गया, वकील को पैसा देते देते उनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, इसका जो था उन पुलिस वालों ने अपने लिंगा ने बताया कि सारा कहानी पुलिस के लोग इसलिए भी कर रहे हैं कि उनको स्टाफ लगना है, उनको प्रमोशन मिलना है, तो ये जो टोटल पुलिस में औसत जाएंगे तो लगभग 95-96% बैठता है, 95-96% लोगों के पकड़ के जो भेज रहे हैं 95% लोगों को न्यायालय निर्पराध पा रही है, बेकसूर पा रही है, तो उनके साथ जो अन्याय हो उसके लिए उनको सजा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए जिसको आपने स्टार्ट दिया है, इसमें भी तो कोई बात होनी चाहिए, इतना भयावह आंकड़ा है साथियों, बहुत कुछ है मेरे पास, लिंगा ने सारा कुछ वहाँ का बयान कर दिया है, तो मैं फिर आपको और समय नहीं लूँगा इसमें, मैं ये कहना चाहता हूँ ये सारी स्थितियों को लेके बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका पूरा सांस्कृतिक हमला उन पर चल रहा है, कोई हिंदू बनाने की कोशिश कर रहा है इसराइली किसी को ईसाई बनाने की कोशिश कर रहा है, गलत हिंसा है, आर्थिक हमला का भी बात करना बहुत जरूरी है, एक दिन बोलना था इसमें मुझे, मगर कम से कम एक बात तो जरूर रखना चाहूँगा आप सबका ध्यान जाए उसमें कि पूरे आदिवासियों का जो अर्थतंत्र है उनका अर्थशास्त्र है वन, अभी उसमें शुरू हमला तो शुरू से रहे कोचिए जाते थे ये और आज वो जो कोचिए जो वहाँ गए उत्तर प्रदेश बिहार और तमाम देश के कोने कोने से बस एक तराजू बांट लेके गए, आदिवासी लोगों ने उनको घर में रुकने की जगह दी, उनको कंबल दिया, बिस्तर दिया, पीने का पानी दिया, उनको खाना दिया, उन्होंने उनका चिरंजीव नमक के बदले तोला बना रखा था, चिरंजीव एक वन उपज है जिसका कीमत यहाँ 800-900 किलो होगा है मामले में, तो उस 800-900 किलो के चिरंजीव के बदले वो एक रुपये का नमक तोलते थे, ये तौल तौल के जो आज जो है वहाँ पे अरबपति करोड़पति बने हैं और रायपुर और दिल्ली और बस बड़े बड़े महानगरों में यहाँ रियल इस्टेट में उनकी संपत्ति है, वो लोग आज चाह रहे हैं कि पूरा आदिवासियों का तमाम जंगल तमाम गांव सब कुछ आज हमारे कब्जे में हो, और वो लोग आज सबोद्रम जैसे चीज खड़ा करते हैं, महेंद्रमा जैसे मोहरे आदिवासी भी मिल जाते हैं उनको, जो एक महेंद्रमा का जिक्र किए बिना भी आज मेरा बात पूरा नहीं होगा, महेंद्रमा का बिल्कुल जिक्र करना चाहूंगा मैं, महेंद्रमा को देश भर में फैलाया गया है कि वो आदिवासी नेता है, महेंद्रमा का पूरा राजनीतिक जो चरित्र है वो तब उभर के सामने आया जब बस्तर के आदिवासी छठी अनुसूची और पांचवी अनुसूची के मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे थे, जब पांचवी अनुसूची पेशा कानून ये सब को लागू करने के लिए आंदोलन चल रहा था वहां, तो महेंद्रमा को इन्हीं कोचियों ने अपने नेता के रूप में गैर आदिवासियों के पक्ष में उन्होंने खड़ा किया, और यही महेंद्रमा ने छठी अनुसूची के खिलाफ और पांचवी अनुसूची के खिलाफ वहां पर अभियान चलाया, तो आप कैसे कह सकते हैं वो आदिवासियों के नेता, यही महेंद्रमा सर्वोद्रोह का सबसे प्रमुख योद्धा था, सबसे प्रमुख नेता बना, इसी के जितने भी गुंडा तंत्र था जिसमें वहाँ के वही जो बाहरी तबके थे जो आके आज आदिवासियों को वहाँ पे
वहाँ जाके कांग्रेस और भाजपा जैसे तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता राजनीति, वहाँ का पूरा जो राजनीति तंत्र है वहाँ का भी आप बात करेंगे, वहाँ की राजनीति में पूरा पैसा इन्हीं का है, गैर आदिवासियों का, शोषक तबके का कार्यकर्ता वही है, आदिवासी जो चेहरे हैं वो केवल मोहरे के। अब जो है जब सोशल मीडिया और ये सब मीडिया का स्वरूप जो अभी थोड़ा बदला हुआ आप देख रहे हैं, उसमें अब नए लड़के लड़कियां जो आ रहे हैं उसी का परिणाम है कि आज 16 जुलाई का बस्तर बंगाल वहाँ सफल हुआ, तो वहाँ के आदिवासी भी अब इस लड़ाई में सामने आ रहे हैं, तो राजनीति में वो भाग लेंगे, राजनीति में हिस्सेदार बनेंगे, तो निश्चित रूप से आगे चल के वहाँ इस लड़ाई में हमको बल मिलेगा। तो वहाँ अभी एक सबसे बड़ा हमला वहाँ की सरकार ने किया है, इसको बिल्कुल आप ध्यान रखें, इसमें आप सबके साथ की जरूरत पड़ेगी। तेंदूपत्ता वहाँ का सबसे प्रमुख आय का साधन, सारे तमाम जो वनों उसमें तेंदूपत्ता सबसे बड़ा उनको इनकम का साधन है। दो महा एक महा का समय मिलता है उनको इसके लिए, अप्रैल मई जून के शुरुआत होते ही जो है, अप्रैल के मध्य से शुरू होता है, जून के शुरुआत से पहले खत्म हो जाता है। तो इसी में जो है एक एक आदिवासी परिवार 10,000-12,000 से लेकर 20,000 तक कमाई करता है, जो उनके लिए बहुत बड़ा कमाई है तो साल का। तो इस पे हमला करने के लिए इस सरकार ने, भाजपा की वहाँ की सरकार ने आरएसएस के नीति के तहत, आरएसएस वालों के तहत 5-6 साल पहले इन्होंने प्रचार करना शुरू किया मीडिया में कि नक्सलवादियों का पूरा तंत्र तेंदूपत्ता से चलता है, नक्सलवादियों का सबसे ज्यादा जो बजट है तेंदूपत्ता से आता है, ये करके उन्होंने पूरा मीडिया में फैलाया। उसके बाद जो है तेंदूपत्ता के ठेकेदार, तेंदूपत्ता के काम करने वाले मुंशी, तेंदूपत्ता के कर्मचारियों, ये सबको नक्सली मामलों में इस 5 साल के भीतर में बंद करना शुरू किया। बहुत सारे वहाँ पे सरपंच, बहुत सारे उप सरपंच जो चुने गए जनप्रतिनिधि हैं वो भी आज नक्सली मामले में अंदर है, वो भी इनामी नक्सली बता के अंदर किए जा रहे हैं। हिड़मा नाम की कहानी आप इस कार्यक्रम में, आप जो कार्ड आपको मिला होगा उसमें आपने देखा होगा, मैंने वो स्टोरी किया था, मार्टून का मामला है, उसको भी जिक्र करना चाहिए। जब ऐसी स्थिति आ गई कि वहां पे मीडिया पे भी रोक लगा दिया गया कि आप जो है सच बाहर नहीं लाएंगे, मीडिया के हमारे साथियों को जेल भेजना शुरू किया गया, मीडिया के साथियों को सप्लायर और ठेकेदार, 1-1 करोड़ का काम देके उनको सप्लायर ठेकेदार बनाया गया, कई लोगों को मुफ्त में लिफाफे बांटे गए, इस तरह से करके, और जो इसके बाद भी लिखना चाह रहे थे उनको डराया गया, धमकाया गया। तो ये दौर में जब बस्तर में पिछले साल भर से जब वहाँ की कहानी बाहर नहीं आ रहा था, तो वहाँ के आदिवासियों ने एक नया तरीका निकाला और उन्होंने अपना जो परंपरागत शैली है उसमें हिड़मा राम की कहानी और हिड़मा राम सहित और बहुत सारे जो मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं उनकी कहानी, उनके मृतक स्तंभ में चिन्हांकित करना शुरू कर दिया है कि किस तरह से मुठभेड़ हुआ, कैसे पुलिस वाले आए और कैसे उनको हल चला रहा था, कैसे घर से ले गए और कैसे मार डाला, और इस सब का गवाह कौन है, बस जंगल का पेड़, मयूर, जंगल के जानवर। साथियों मैं अपना बात करेंगे कैसे इस तरह का कार्यक्रम, अगर बॉम्बे में हो रहे तो कार्यक्रम करने वालों को कैसे देशद्रोही करार दिया जाए, कैसे इनको नक्सली करार दिया जाए, ये सब प्रचार बड़ा विधिवत तरीके से चल रहा है। ये विधिवत तरीके से जो सब चीज कर रहे हैं उसमें हम लोग देश भर में आवाज उठना तो शुरू हुआ है, मगर हम लोग भी इसको कुछ इसको व्यवस्थित तरीके से ले, मेरा सुझाव है इसमें हम भी जो है एक मंच बनाए और हमारा भी कोई आईटी सेल हो, हम लोग भी जो है लोगों को प्रशिक्षित करेंगे किस तरह से सोशल मीडिया को अपडेट करना चाहिए, कैसे हम इस लिंगर नाम की बातें को कितने ज्यादा लोगों तक हम ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सकें, ये सब के लिए अपना कोई बैठ कोई बातचीत होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है, जो मुख्य धारा के पत्रकारिता है, उससे तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि बस्तर जैसी कहानियाँ जो है सब तक पहुँचा सके। इसके लिए हमारी इस बैठक के बाद एक कोई कोर ग्रुप की बैठक हो जिसमें सब चर्चा हो, या जिनके पास जो सुझाव हो इस मंच में रखें तो और बेहतर है कि क्या क्या कर सकते हैं। दुनिया के और तमाम देश के जो वहाँ पे बस्तर के मामलों में जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भी वहाँ जांच के लिए गए, बहुत सारे पत्रकार जांच के लिए गए, बहुत सारे अलग अलग एनजीओ के लोग जांच के लिए गए, जेएनयू की टीम भी गई वहाँ की। सरकार अब चाह रही है कि वहाँ का रिपोर्ट बाहर मत आए तो वहाँ आने जाने वालों को परेशान करना शुरू कर दिया गया है, जेएनयू के लोग उनको नक्सलवादी करार दिया गया, और कोई लोग जा रहे हैं तो होटल में जांच हो रही है आजकल, होटल में जो बाहर से लोग जा रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है, ये तमाम स्थिति तो है, मगर इसी बीच में हमको रास्ता निकालना होगा कि बस्तर में जो तमाम जो 10-15 वर्षों में जो घटनाएं घटी है, जो मुठभेड़ हुए, इनकी जानकारियाँ कैसे हम इकट्ठा करें, कैसे उन गाँव की कहानियाँ सामने लाएं,
इसके लिए कोई एक टीम बने, वहाँ के लोगों को भी शामिल करें। बस्तर के लिए आदिवासी लड़के लड़कियाँ अपने समाज के जागरूक हो रहे हैं, इस लड़ाई के जागरूक हो रहे हैं, उनको कैसे हम इसमें शामिल करें और वो सारी कहानियों को कैसे हम व्यवस्थित तरीके से न्यायालय तक पहुँचाएं, कोर्ट तक पहुँचाएं, इस पर हमारी बात होनी चाहिए। इसके अलावा देश से बाहर भी हम UNO है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, उनके तक बात कैसे हम जितने जागरूक साथी हैं जो ई मेल इस्तेमाल करते हैं, जो पत्र लिखते जानते हैं, वो कैसे पत्र लिखे पूरा देश विश्व भर के फैला सकते हैं, ये सब की बात होनी चाहिए।